Being a lawyer, I want to understand why real estate. तो जो ऊपर की नॉलेज है उसको इन डेप्थ नॉलेज लेके आई शैल यूज इट इन माय बिजनेस. आपने लॉ स्टडी किया क्योंकि आपको रियल एस्टेट में यूज करना था, इन डेप्थ स्टडी करना था, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना था, इजी होना था. तो आज जैसे शेयर मार्केट्स है तो स्टॉक ब्रोकर्स है तो वो लोग ये सब कंप्लायंसेस कर रहे हैं. तो आज ये नया है करके पिंच हो रहा है कि ये 6 महीने का ये कॉस्ट आ गया, सीए आ गया, लीगल आ गया, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद एकदम स्मूथ है. सर एक बहुत कॉमन टॉपिक, डेवलपर से तो गलत होएगा पूछना बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेंटल वर्सेस परचेस. आज की तारीख में तो दो ही, गोल्ड एंड रियल एस्टेट. गोल्ड इजीली लिक्विडेट हो जाता है, रियल एस्टेट अप्रिशिएट अच्छा हो रहा है, लिक्विडेशन में प्रोज एंड कॉन्स सब है. सो टुडे वी हैव मिस्टर अक्षय जैन विद अस, हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद भैरव ग्रुप एंड ही हैज स्पेंट मोर देन 15 इयर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन. ही इज बीकॉम एंड एलएलबी पास आउट and he's been doing fantastic. And being a lawyer, I want to understand why real estate. मतलब घर की कंपनी है तो ठीक है, घर की कंपनी है, but you could have actually pursued LLB and probably बोलते ना वकालत की है तो उसको प्रोफेशन बना के उसको आगे चल सकते थे, बट रियल एस्टेट में आ गए आप. पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद MBA किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है. अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? मेरा रिवर्स था, सिंस वी वर इनटू रियल एस्टेट और मैं देखता था जो डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग होते हैं दैट इंटरेस्टेड मी. अच्छा, करके आई चोज एलएलबी थिंग. तो जो ऊपर की नॉलेज है उसको इन डेप्थ नॉलेज लेके आई शैल यूज इट इन माय बिजनेस. सो वो फंडा से आई ऑप्टेड फॉर रियल एस्टेट एज वेल एज LLB. There were two passions. One was legal, one was IT. Achha. Something into computers and like that. So we'll come to IT part of it. Because today real estate कम technology ज़्यादा हो गया, तो we'll come to it a bit later. अब जैसे आपने बोला कि आपने law study किया क्योंकि आपको real estate में use करना था, in depth study करना था, आपका problem solve करना था, easy होना था. तो pre RERA अगर अपन बोले तो बहुत ज्यादा लिटिगेशंस होते थे, प्लॉट ले लो, भले आप टेंडर प्लॉट भी लेते हो तो कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स ये वो केसेस चलते रहते थे. मेरे को किसी ने बोला था, डेवलपर ने, कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनी प्रोजेक्ट विच इज बियॉन्ड 100 करोड़ उसमें आपको बेयर मिनिमम 15 केसेस तो आपको मिल ही जाएंगे. उसमें से 14 का तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहता है बट फिर भी 15 केसेस तो आपको मिनिमम मिल जाएंगे. डू यू सी दैट चेंज आफ्टर RERA? डेफिनेटली यस, बिकॉज Now we are disclosing each and everything with certain supportings. पहले तो क्या है कि कोर्ट में पेपर्स डाल दिए, न्यूज़पेपर में जहाँ पब्लिक नोटिस आई एंड द टाइमलाइन ऑफ 15 डेज, वी आर डेफिनेट देर इज गोइंग टू बी सम और द अदर ऑब्जेक्शन एंड वी नीड टू इंटरेक्ट विद दैट पर्सन हु हैज ऑब्जेक्टेड कि वॉट इज योर ऑब्जेक्शन. बट कमिंग इन टू RERA, नाउ दैट पब्लिक नोटिस वाला सिस्टम इज नॉट देयर. सो जब भी लीगल टाइटल आ गया इट इज़ विद डॉक्यूमेंट एविडेंस. So the regarding to the land and everything has been substantially reduced and taken care of. When RERA came into picture, starting mein to immediately certificates de dete. Now they are taking 45 days to 60 days, but each and every pin to pen is being thoroughly checked. Haan, kyunki 300 building ka fraud pata chala na. To abhi to check karna hi padega. बट हाँ, एक है कि आई मीन आई एम इनटू रियल एस्टेट फॉर 13 ऑड ईयर्स नाउ सेल्स एंड मार्केटिंग. तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती थी सेल्स मार्केटिंग करने के टाइम पे कि कस्टमर जब ये सवाल पूछता था ना कि क्या गारंटी है कि तुम्हारा बिल्डिंग बन जाएगा, क्या गारंटी है कि मेरे को मेरा घर मिल जाएगा, तो जवाब देना एक मतलब ठीक है ब्रांड वगैरह का हाफ कर लेते बट एक टाइम के बाद जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था. RERA आने के बाद एक सोल्यूशन तो मिल गया, अरे सर RERA है ना. मतलब इसके पहले गवर्नमेंट थोड़ी ना थी, गवर्नमेंट तो आप बनी है. बट एटलीस्ट साइकोलॉजिकली कंज्यूमर वॉज सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज ऑल एवरीवन हु वाज एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट कहाँ ना कहाँ पे उनको वो सेटिस्फैक्शन मिल गया. कंटिन्यूइंग विद दैट, आज भी RERA बोलती है कि 5% डिफॉल्ट होते हैं, 5% आज भी इश्यूज आते हैं. और जो वसई विरार के बिल्डिंग्स में हुआ तो एक वो बहुत बड़ा अपने में एक केस स्टडी था. आई वुड नॉट ब्लेम गवर्नमेंट एज सच बट ठीक है, लूपोल हर कोई ढूंढी लेता है, स्कैम हर कोई कर ही लेता है. तो आगे चल के ये नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, बट जितना नॉर्म स्ट्रिक्ट हो रहा है डेवलपर फिर भी अफोर्ड कर लेता है, बट एक रियल एस्टेट एजेंट ये सारे नॉर्म्स को कोप अप नहीं कर पाता है. मतलब अभी रिसेंटली मैंने कोई रियल एस्टेट एजेंट से पूछा तो बोला कि अभी वो हर 6 महीने में उनको RERA में रिपोर्ट डालना है. Yes. तभी वो RERA बैठ के संभाले, अपने सेल्स बैठ के संभाले, धंधा करे कि बैठ के पॉलिसीज करे, एंड
ये सब कॉस्ट आ गया। अभी सीए को उसको बोलना पड़ेगा या लॉयर को बोलना पड़ेगा, ये एक आदमी रखना पड़ेगा जो खाली रेरा के कंप्लाइंस उसके कंप्लीट करे। तो आपको लगता है कि डेवलपर तो चलो इसको कर लेगा, बट आस्ते आस्ते करके रियल एस्टेट एजेंट जो है वो मार्केट से टूटते जाएंगे और रीसेल रेंटल में ज़्यादा चले जाएंगे कंपेयर टू प्राइमरी मार्केट? नो, दैट वुड नॉट बी द केस। द रीज़न इज़ कि अगर रेरा जो भी उनसे मांग रहा है और कर रहा है, अल्टीमेटली द एंड रिजल्ट इज इंडस्ट्री या तो स्ट्रीमलाइंड। So, आज जैसे शेयर मार्केट्स है तो स्टॉक ब्रोकर्स है तो वो लोग ये सब कंप्लायंसेस कर रहे हैं। तो आज ये नया है करके पिंच हो रहा है कि ये 6 महीने का ये कॉस्ट आ गया, सीए आ गया, लीगल आ गया, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद एकदम स्मूथ है। बिकॉज राइट नाउ वी एज अ डेवलपर, हम जो भी बोलते हैं सामने वाला एक वो पिंच के साथ लेता है कि ये सच है कि झूठ है, मुझे तो मेरा रिसर्च करना पड़ेगा। करेक्ट। कमिंग इनटू रेरा, जो हमने बताया उसने वो डिजिट्स डाल दिए रेरा के, फैक्ट्स क्लियर हो गए। व्हाट इज द इन केस विद रियल एस्टेट वर्क एजेंट चैनल पार्टनर्स, ये हो जाएगा, ये कर दूंगा, ये लाके दे दूंगा, बट व्हाट इज योर, आर यू रजिस्टर्ड, डू यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट, डू यू नो अबाउट द प्रमोटर्स? तो I think so, that would be also be streamlined and it would be good for the whole industry. खरीदने वाले को भी मजा आएगा and बेचने वाले को भी, कि भाई जो भी है facts and figures के साथ अपन बात कर रहे हैं। सर एक बहुत कॉमन टॉपिक, मतलब डेवलपर से तो गलत होएगा पूछना, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेंटल वर्सेस परचेस एंड स्पेशली परचेस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। क्योंकि पूरा मतलब हम इंसान है चलते पूरे साइकोलॉजी पे, और अपना इंडिया में खास करके रियल एस्टेट है ना इमोशंस पे ही चलता है, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता है। मेरे को आज भी पता है किस किस के पास 10-10 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, जिसका रिटर्न शायद 1.5-2% है साल का। तो रेंटल वर्सेस परचेस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? रेंटल वर्सेस परचेस में डेफिनेटली परचेस या तो इमीडिएट करो अगर आपको लोन एलिजिबिलिटी या तो सेल्फ फंडिंग है, नहीं है तो रेंटल्स में स्टार्ट करो, बट विद एन इंटेंशन कि मुझे ये परचेस करना है। बिकॉज प्रॉपर्टी जैसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, आज की तारीख में तो दो ही, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। गोल्ड इजीली लिक्विडेट हो जाता है, रियल एस्टेट अप्रिशिएट अच्छा हो रहा है, लिक्विडेशन में प्रोज एंड कॉन्स सब है। बट अगर रेंटल है तो उसके अभी जैसे कोविड के टाइम पे सब क्या है उसको पता ही नहीं कि कल मुझे लैंडलॉर्ड खुद उधर रहने आने वाला और मुझे निकालने को बोलने वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर एक खुद का है छत तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग। ओके। एंड जो इमोशनल कनेक्ट की बात की है, घर मकान जो है वो तो हम मतलब वी एज एन डेवलपर आर जस्ट सेलिंग अ हाउस, जब उसमें फैमिलीज आई है दैट टाइम इट इज बिकम अ होम। करेक्ट करेक्ट। तो इट रेसिडेंस इज इक्वल टू इमोशन क्वेश्चन, इमोशन। यस करेक्ट। अब इमोशंस हम लोग कहाँ ना कहाँ पे जब घर बेच रहे तो इमोशंस ही बेच रहे हैं, ठीक है। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, मैं खुद एक सेल्स में हूँ तो शुड नॉट बी सेइंग, बट ऑफकोर्स रियल इस्टेट इमोशंस ही बेचते हैं हम, और इमोशंस इंटेलिजेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैन पावर जो हम लोग रखते हैं सेल्स मार्केटिंग में, जो मैन पावर रखते हैं उनको हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन आपका इमोशंस ग्राउंड पे होना चाहिए। ट्रेनिंग भी उस तरीके से देते हैं कि घर के बारे में बताओ, एमिनिटीज के बारे में बताओ, आपका बच्चा क्या करेगा उसके बारे में बताओ, जो परचेजर है आजू बाजू में कौन है उनको करो, उनको करो कन्विंस करो। टेक्नोलॉजी कमिंग इन टू पिक्चर, मेरे को ऐसा लगता है शायद एक दिन आएगा जो मोबाइल पे बैठ के आदमी घर खरीदेगा 2-4 करोड़ रुपए का। AI तो आ ही गया है, बट टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चल रहा है, VR, Apple VR गॉगल्स ये सब आ गए हैं, विजन प्रो, तो आदमी घर पे बैठ के पूरा सराउंडिंग देख लेगा और मोबाइल पे बुक करेगा। सो डू यू सी दिस हैपनिंग? और इस टाइम पे अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, हम किस तरीके से रखेंगे और इस टाइम पे बेचेंगे किस तरीके से? नहीं तो VR, अकॉर्डिंग टू मी VR टेक्नोलॉजी या तो जितने भी 3Ds या तो ये आते हैं, वी कैन शो देम, मतलब इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द सैम्पल फ्लैट और द सेल्स लाउंज दे कैन ऑल सी इट। बट जब जो प्रोडक्ट खरीदना है, जो घर खरीदना है, लैंड इज विथ इमोशन, वो जो है ना धरती, मतलब जब स्पर्श होगा तब वो ऑरा क्या है जनरेट हो रहा है, उधर मैं जा रहा हूँ, एमिनिटीज़ और वो सब कुछ देख लिए। क्योंकि जब भी हम लोग खरीदने जा रहे हैं, इन 60-70%
एमिनिटीज आर गेटिंग डेवलप, प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डेवलप, तो हम लोग देख रहे सैंपल फ्लैट, तो वो वीआर से देख लिया, लेकिन जब मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, इट वुड एंड इट हैज टू बी फिजिकल एंड इट कैन नॉट बी थ्रू एन ऐप और समथिंग. ओके, हाँ, तो वो जो डर है, आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट इन नेक्स्ट 15 to 20-25 years आई डोंट सी कि ऐसा हो जाएगा कि ऐप से ही घर खरीद लिए, ऑफिस खरीद लिए. मतलब फिर हम लोग सेल्स वाले क्या करेंगे, आई डोंट नो, तो इसके लिए मैं वाला एक बार पूछ लूं कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है. एंड अगर हम लोग इसकी टेक्नोलॉजीज की बात भी करते हैं, घर हमेशा, घर लो या ऑफिस लो, एनी प्रीमाइसिस, वास्तु देखते ही देखते हैं, जैसे शादी के टाइम जोड़ी मिलते हैं, वैसे ये लेने के पहले. आजकल मेरे को नहीं लगता है लोग देखते, मतलब नया जनरेशन है, 100% हर कोई मानता ही मानता है, जितना उसको नॉलेज है वो या तो कोई कंसल्टेंट को बुला के चेक ही करता है. टू टॉक अबाउट वेरी रिसेंटली जो हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है थाने वागले एस्टेट में, भैरव माइलस्टोन. ओके, कितने लोग को अगर हम लोग ब्रोशर्स वगैरह सेंड करेंगे या तो ये करेंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे. एक बार जब साइट पे बुलाते हैं और साइट पे बुलाने के बाद जब वो एंट्री एग्जिट वो सब पॉइंट्स देख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है, एक कमर्शियल प्रीमाइसिस फॉर अ बिजनेस क्या चाहिए, जो ऑफिस की एंट्री है, वो सबसे वो 50-60% मेरे सेल्स पर्सन का वहीं काम क्लिक हो जाता है कि भाई ही सेटिस्फाइड विद द वास्तु. सर, पूरे कंपनी में, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, भैरव में कंपनी में व्हाट डू यू लुक आफ्टर, सेल्स एंड मार्केटिंग? यस, आई डू लुक आफ्टर सेल्स एंड मार्केटिंग. मतलब हमारे पॉडकास्ट में भी भैरव माइलस्टोन का वास्तु का यूएसपी आपको बेच रहे हैं, ठीक है? ही इज अ हार्डकोर सेल्स पर्सन, इज बेटर देन मी. सर, मेरे को लगता है कि अब आपने कमर्शियल का बात निकाला ही है, सो आई मीन दैट वाज वन ऑफ माय डिस्कशन दैट आई वांटेड टू डू. मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, अपन तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं, मुंबई में खास करके हर एक लोगों को आज वो पिंच हो रहा है, बैंगलोर में भी लोगों को लास्ट 2-3 साल से पिंच हो रहा है, ट्रैफिक, उसके साथ ही साथ नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इट इज़ अफेक्टिंग ऑन एवरीवन्स हेल्थ, स्ट्रेस, ट्रैफिक में डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का स्ट्रेस, बहुत कम जनों को रियलाइज़ हो रहा है कि वो हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, बहुत जनों को रियलाइज़ भी हो रहा है, और इस वजह से पीपल आर नाउ चूजिंग टू हैव अ कमर्शियल ऑफिसेस इन देयर माइक्रो मार्केट. मतलब थाने वाला अगर बंदा है, आपने भैरव माइलस्टोन की बात निकाली वागले स्टेट की, तो थाने वाला बंदा है वो हीरानंदानी एस्टेट से निकल के बीकेसी तक जाते जाते तो 3-2.5 घंटा लग जाएगा उसको. सो ही इज़ लुकिंग फॉर अ माइक्रो मार्केट ऑफिसेस. ये मेरा लास्ट 3-4 महीने का स्टडी है कि कमर्शियल का डिमांड बहुत ज़्यादा स्पाइक होने वाला है अगले 2-3 साल में. तो आई मीन, आर यू एबल टू सी द स्पाइक इन सेल्स एंड माइक्रो मार्केट स्पाइक? रेसिडेंस जैसा वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, 100% डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि जब वो इंट्रोड्यूस हुआ है वॉक टू वर्क, तो तभी का तभी प्रोजेक्ट खड़ा तो नहीं होगा, लेकिन आज की विसिनिटी में वेर एवर देर इज रेसिडेंशियल, पहले एक जोन होता ओनली, इधर सब रेसिडेंशियल है, इधर सब इंडस्ट्रियल, इधर कमर्शियल है, नाउ ऑल द जोन्स हैव इन इक्वल थिंग कि भाई वॉक टू वर्क है या तो लेस ट्रेवल टाइम है, सो दैट द वर्क लाइफ बैलेंस इज मेंटेन्ड. एंड सिमिलरली जब थाने वागले एस्टेट में जो भी दूसरे जो है थाने गोड़बंद रोड वगैरह के जो रेसिडेंशियल्स है, दोज आर डेफिनेटली अट्रैक्टेड एंड इंक्लाइन टू टेक एन ऑफिस ओवर हियर. They would not prefer going towards Borivali, Goregaon instead of coming to Thane Wagle state? No, no. Because agar distance kam ho gaya, so that is also one of the thing. Infrastructure growth ho raha hai. Hamare last episode mein bhi maine cover kiya tha. Infrastructure growth ho raha hai. Hum ek naya Bharat dekh rahe hain. Atal Setu aur Samruddhi Mahamarg. Mumbai Ahmedabad bullet train ka development ho raha hai. और वो कहाँ ना कहाँ पे थाने से, कल्याण से पास होने वाली है. और डू यू फोरसी दैट दिस डेवलपमेंट ऑफ बुलेट ट्रेन एंड मुंबई अहमदाबाद हाईवे आल्सो, व्हिच इज़ आल्सो गेटिंग कनेक्टेड टू नवी मुंबई, इस वजह से थाने, कल्याण, सबर्ब्स, विरार, वसई, पालघर, ये सब लोकेशन एक अलग लेवल पे, अलग लेवल पे राइज होने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी आ गई है. तो जो लोग offices मल्टी ब्रांचेज रहते हैं तो दे वुड डेफिनेटली प्रिफर देयर ब्रांचेज इन दीज लोकेशंस, क्योंकि कनेक्टिविटी है. अदरवाइज तो जो पहले जिधर जाता था, जहाँ उसका मार्केट होगा. सो इट हैज़ अ पोटेंशियल थाने वागले एस्टेट टू क्रिएट अ निश मार्केट बींग एट आई टी हब
एंड नाउ मेनी रिलैक्सेशन आर बीन गिवन ITIT ES के जो रिलैक्सेशन है डे बाई डे गवर्नमेंट उसको ईज आउट ही कर रहा है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प. नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बन रहा है. यस बॉम्बे में एक एयरपोर्ट ऑलरेडी है. आदित्य ठाकरे वर टॉकिंग अबाउट वन मोर एयरपोर्ट एट पालघर. डू यू थिंक दैट विल बी अनदर माइलस्टोन एंड अनदर बूस्ट फॉर महाराष्ट्र और एटलीस्ट फॉर सबर्ब्स MMR वेस्टर्न सबर्ब्स लोकेशन? क्योंकि आज बोरेवली से निकल के अंधेरी पहुँचने में हालत ख़राब हो जाती है और वैसे ही विरार पालघर वाला आदमी अंधेरी पहुँचते पहुँचते तो मतलब वो 3-4 घंटा जल्दी निकलता है घर से. सो ये जो एडवांटेज है विथ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग इन वो भी एक मेरे को लगता है 3-4 साल तक ही रहेगा क्योंकि तब तक और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ट्रैफिक Yes. होना चालू हो जाएगा. नेक्स्ट वही था कि व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड इट इज टू बी फुलफिलिंग कितने साल तक कितने के जो हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है. मतलब भले गवर्नमेंट शायद बोलती रहेगी कि ये सफाइस करेगा बट मेरे को नहीं लगता है 5-8 साल के बाद ये सफाइस करेगा क्योंकि और लोग आते जाएंगे. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होएगा. हर घर में गाड़ी नहीं होती. अभी हर घर में जैसे बाइक्स और साइकिल होती है एक गाड़ी तो फिक्स है होती है. मेरे को लगता है हर घर में मिनिमम 2 गाड़ी है अभी. एक तो मतलब बेयर मिनिमम है. अब जैसे हम लोग भी किसको यूनिट्स बेचते है NBC के जो कोड्स है हर इतने स्क्वायर मीटर पे इतनी पार्किंग चाहिए वो कोड तो कोई फॉलो कर ही नहीं पाएगा. इवन एन 1 BHK पर्सन और 500 square feet ऑफिस रिक्वायर्स 2 parkings. इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट आपने बोला कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए एक बहुत फाइटिंग वाला है जो मेरे काफ़ी सारे लोग मेरे को DM भी करते हैं पर्सनली. SIP चलेगा आगे चल के कि FIP चलेगा आगे चल के? SIP होता था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो स्टॉक मार्केट लेकर आया और आज कहाँ ना कहाँ पर स्टॉक मार्केट का ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ SIP इज प्योरली बिकॉज ऑफ द वे लाइक यू नो गवर्नमेंट अनाउंस दिस स्कीम अप्रूव्ड RBI SEBI सब लोग ने मिलकर SIP लाया तो आज हर कोई वो 500-1000 रुपया SIP में डालता है जो एक टाइम पे हम लोग किटी भरते थे. राइट है. ठीक है तो आज वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है आज वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है. इट इज डायरेक्टली गेटिंग इन्वेस्टेड टू इंडियन इकोनॉमी एंड गिविंग दैट बूस्ट. और बहुत टाइम के बाद किसी ने दिमाग लड़ा के FIP लेकर आया फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट प्लान इन रियल एस्टेट. तो इस वजह से रियल एस्टेट मतलब जैसे स्टॉक मार्केट एक अलग लेवल पे चल गया डू यू सी दैट रियल एस्टेट आल्सो गोइंग इनटू अ डिफरेंट लेवल क्योंकि आज उसका कंजम्पशन या आज उसका एब्जॉर्प्शन FIP का वो लेवल पे नहीं है जो होना चाहिए. FIP का इसके लिए भी नहीं है क्योंकि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया बेसिकली एंड द इन्वेस्टर्स का जो है उनका एक ही फंडा है कि मैं आज माल कितने में खरीद रहा हूँ और फिर अल्टीमेटली कितने में बेचूंगा या तो चढ़ाऊंगा. लेकिन FIP में अगर उसकी पॉकेट नहीं भी अलाउ कर रही तो देर आर मल्टीपल पीपल हु आर टेकिंग इट एंड दैट प्रॉपर्टी वुड अट्रैक्ट अ बिगर कस्टमर एंड गुड रिटर्न्स वुड बी कमिंग इट. बट इसको बूस्ट गवर्नमेंट की तरफ से या तो अवेयरनेस बूस्ट से ज़्यादा अवेयरनेस. जब अवेयरनेस आ जाएगी पीपल वुड बी इंक्लाइंड एंड इंटरेस्टेड. इनिशियली जब हम लोग किसको सुनते थे ये क्या चीज है ऐसा भी होता है. पेपर पे ये मेरी प्रॉपर्टी और आज तो ताला चाबी ये मेरी जगह. जैसे गोल्ड बॉन्ड ले लो या EFT ले लो गोल्ड के तो उस हिसाब से आप आदत है पुराने लोगों को गोल्ड जब तक सिक्का हाथ में नहीं हुए तब तक पता नहीं चलता था गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए. Yes. So I think I should be doing podcast and couple of more videos with Strata and many other such companies who are into fractional ownership which can help and educate consumer more and more. इसके ऊपर सर जिस तरीके से भारत का ग्रोथ हो रहा है जिस तरीके से रियल एस्टेट एंड मेनी अदर सेक्टर्स आर गेटिंग लाइक यू नो बेनिफिटेड आउट ऑफ इट गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है ऑफकोर्स इम्प्लीमेंट होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है. डू यू सी NRI कमिंग बैक टू इंडिया? NRI मार्केट वुड अगेन बी डेवलप बिकॉज डेवलपिंग कंट्री जैसे जैसे डेवलप करती है अपने पास एक ऐसा फेज था कि वो डेवलपिंग बोल रहे हैं लेकिन डेवलप नहीं हो रहा था. नाउ वी आर ऑब्जर्विंग लाइव के भाई डेवलपिंग व्हाट इज डेवलपिंग एवरी डे ये इनॉग्रेशन वो इनॉग्रेशन. हाँ मतलब लास्ट 6 महीने में तो बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया था गवर्नमेंट ने मोदी जी बस हर जगह पे हर जगह रिबन काट रहे. बट उसके पीछे मेरे को लगता है एक बहुत अच्छी चीज ये थी भले उन्होंने स्ट्रैटेजिकली प्लान किया हर कोई अपने बिजनेस के लिए भी करता है हम लोग भी मार्केटिंग सेल्स उसी मोमेंट मार्केटिंग बोलते हैं
तो जोमैटो ने कोविड के टाइम पे पबजी बैन किया था गवर्नमेंट ने, तो जोमैटो ने मूवमेंट मार्केटिंग किया था कि सब्जी बैन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और वो इतना वायरल हुआ था दैट जोमैटो गॉट प्रॉब्ली 3 महीने में कोविड में जितना ऑर्डर नहीं मिला था वो 1 दिन में उनको ऑर्डर मिला था। तो हर कोई करता है, तो गवर्नमेंट ने किया तो कोई खरा, बट इसके पीछे इतना तो है कि सडनली वी हैव सीन ऑल दोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गेटिंग डिलीवर्ड, मतलब यमुना एक्सप्रेस ले लो, अयोध्या का ले लो, एयरपोर्ट ले लो, ठीक है, यूपी में मतलब जो राम मंदिर और उसका पूरा पूरा डेवलपमेंट है, एज वी रेज द बार इन द डेवलपिंग कंट्री में भी डिफरेंट डिफरेंट देयर बार्स, एज वी रेज द बार डेफिनेटली देयर आर इन्वेस्टर्स, देयर आर अदर एनआरआईज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड बिकॉज दे फील सेफ के भाई चलो ठीक है, एंड सम ऑफ द अदर वे अगर एनआरआई में भी जावे तो पॉपुलेशन तो अपना अपना ही है, कोने में मिल जाएगा, दुनिया के हर कोने में देयर इज एन इंडिया, करेक्ट, सो अल्टीमेटली दैट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड। So before we end our episode, I believe this clearly tell us that India is growing. Bharat aage badh raha hai. NRI ko investment karna hai to India mein hi karega, which also gives a very very clear message ki growth story hai, appreciation story hai. So this is a right time to invest in real estate. So stay tuned with Prop Gyani, Girish Shalwani.